हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए आयरन कैल्शियम से भरपूर हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट टाइम में, लंच टाइम में बनाकर दे सकते हैं और इसका स्वाद भी बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। साथ ही इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो फिर चलिए इस सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 छोटे चम्मच पोहा। तो सबसे पहले हम पोहे को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके लिए बाउल में आधा ग्लास पानी हम डाल देंगे और ये देखिए, इसे इस तरह से मिलाते हुए सेम इसी प्रोसेस से 2 बार वॉश कर लेंगे और इसका पानी हम अलग निकाल देंगे। तो ये देखिए, पोहे को मैंने 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच पानी और डाल देंगे और अब इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, जिससे कि पोहा अच्छे से फूल जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों, वो है एप्पल। तो एप्पल को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और एप्पल की क्वांटिटी आप अपने बच्चों की डाइट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, एप्पल का मैंने छिलका उतार लिया है और अब इसे 4 भागों में डिवाइड करके इसके जो बीच वाला पार्ट है इसे निकाल देंगे और इसे थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट लेंगे। तो एप्पल को मैंने मोटे पीसेस में काट लिया है, ये देखिए। और अब 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए, पोहा भी एकदम अच्छे तरीके से फूल गया है। सारा पानी पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे भीगा हुआ पोहा। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 ग्लास पानी और अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, उबाल आ चुका है। अब इसमें हमने जो एप्पल के पीसेस काट कर रखे हैं इसे डाल देंगे और इसे मिलाते हुए पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और बीच में 1-2 बार चम्मच चलाकर इसे चेक कर लेंगे। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं मुझे। ये देखिए, पोहा और एप्पल एकदम अच्छे तरीके से पक गए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एप्पल भी एकदम अच्छे तरह से गल गई है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, सभी सामग्री हल्की ठंडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्राइंडिंग जार और जार में अब हम पकी हुई एप्पल और पोहा को ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर एक बनाना। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद अब इसे हम थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए, बनाना को जार में डाल दिया है मैंने। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 काजू, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 बादाम। तो ये देखिए, बादाम को मैंने भिगो कर लिया है। तो इसका हम छिलका उतार लेंगे और इसे भी अब हम जार में डाल देंगे। तो सभी सामग्री हमने जार में डाल दी है। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम स्मूथ प्यूरी इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये फूड बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये लीजिए, बनकर तैयार हो चुका है आपके घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी फूड, जिसे आप ब्रेकफास्ट टाइम में बनाकर या फिर लंच टाइम में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे दुबले पतले कमज़ोर हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका स्वाद भी बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और बच्चों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।